दोष लगता है ना पांडव को, तो उनको भगवान कृष्ण कहता है कि जब तुम्हें शिव जी के दर्शन होंगे तब आप लोगों का जो है कुल दोष समाप्त होगा। लेकिन शिव जी कहाँ मिलेंगे? श्याम प्रयाग में, यहाँ धराली श्याम प्रयाग, उस समय जो है यहाँ पे, जब यहाँ पे जाओगे यहाँ पे शिव जी के दर्शन होंगे, आपका कुल दोष समाप्त होगा। तो पांडव उस समय यहाँ पे आते हैं और 5 दिनों का बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हैं पांडव। यहाँ पे इसके आगे 1 किलोमीटर आगे आप गंगोत्री से वापिस आ गए, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे हत्याहारणी नदी पड़ती है, ऊपर से आती गंगा नदी, हत्याहारणी हत्या बोलते हैं उसको, हत्याहारणी। पांडव अपने हत्या को, उसका अपना हत्या का दोष निवारण करने के लिए उसमें नहाए थे, उसे हत्याहारणी। आइए सर बैठिए, अब तो उसमें उन्होंने स्नान किया था बड़े और वहाँ जो है उन्होंने अपना दोष निवारण के लिए हत्याहारणी में, तो कई दिनों तक उन्होंने अनुष्ठान किया। यहाँ 240 मंदिरों का निर्माण हुआ पांडवों के द्वारा, जगह जगह जो उत्तराखंड में सारे मंदिरों का निर्माण, पांडवों का बहुत बड़ा सहयोग योगदान है। तो जब उनको शिव जी के दर्शन नहीं हुए, शिव जी उनको दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, नाराज थे उनसे, क्योंकि उन्होंने अपना ही परिवार अपना ही कुल का नाश किया था। तो शिव जी उठ के यहाँ से केदारनाथ चले गए, तब जाकर उनको बाद में पता चला, ऋषि मुनियों ने बताया कि भगवान शिव यहाँ पे है, चले गए यहाँ से, आप केदारनाथ जाओ। तब पांडव यहाँ से केदारनाथ जाते हैं, उसके बाद केदारनाथ का निर्माण होता है, पहले कल्प केदार का होता है। इसलिए इस केदारखंड में संपूर्ण इसका विवरण है कि केदारखंड का, कल्प केदार का महत्व क्या है। अगर आप सच्चे मन से कल्प केदार के पास बैठ के अगर 2 मिनट आप उसे मांगोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और गंगा, गंगा से तो शिव है और शिव से गंगा है, तो गंगा जी का जब आप लोग जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन करने, तो शिव के हो गए तो आपका आधा दर्शन तो हुई, ऐसे भी हो गए, और केदारनाथ के आधा दर्शन आपने यहाँ कर लिए। तो बाबा कल्प केदार बहुत ऐसा नहीं है, 5158 साल जो अनुमानित इसकी एज निकाली गई, कतूर शैली में बना हुआ स्पेटिक का लिंग है इसके अंदर शिवलिंग, वो हम लोग साल में 1-2 बार इसको साफ करते हैं। शाम को अगर आप आज आप यहीं स्टे कर रहे हैं, आज यही है, शाम को 7 बजे आरती का प्रोग्राम होता है सर हमारे यहाँ पर, हाँ यही मंदिर में, तो सारे लोग आते हैं, मार्केट से भी और सभी लोग, हमारे लोकल भी। तो ये बता दो ना जैसे पहले कैसे हट थी, हाँ तो ये जो है शाम को आप आरती में जब आओगे ना, तो मैं जब डार्क हल्का सा डार्कनेस हो जाएगा फिर अंदर जो है भगवान कल्प केदार को मैं दिखाऊंगा आपको, अंदर उसके लाइटें लगा रखी ना, तो जब जल में लाइट पड़ेगी तो वो स्पेटिक आपको शिवलिंग है, वो स्पेटिक है। हां मैं एक चीज ये बता रहा हूं कि जो ये पहले जो आप ड्रग्स देखा था, फ्लड जो लेवल था ना गंगा का, अभी जहाँ पे आप खड़े थे जो एक्चुअली वहाँ से 20-25 फीट अभी तो कल्प केदार आधा दबा हुआ है, 20-30 फीट, और उससे भी फिर गंगा जो शिव जी का, जो कोई भी शिव के मंदिर कहीं भी हो दुनिया में वो हर जगह हाइट पे होते हैं और मंदिरों से, तो जो 240 मंदिर थे वो उससे भी हाइट पे शिव का मंदिर था, और आसपास में 240 मंदिर उससे डाउन में थे, सारे दबे हुए सारे दबे हुए। हमारी मेरी बुआ अभी 80 साल की कहती है कि जो ये सामने अखरोट का पेड़ है इसके नीचे एक मंदिर, उन्होंने खेला है उसमें छोटे, जब वो 5-7-8-9-10 साल के थे तो उन्होंने आधा मंदिर टूटा हुआ। भूमि बहुत पवित्र है, तो जहाँ पे आप अभी हैं एक्चुअल वो 40 फीट ऊपर है आप, उस समय जो गंगा का, उस समय एक्चुअल लेवल था जो गंगा का, जब भगवान, जब भागीरथी राजा भागीरथ ने जब गंगा को लाया था तो उस लेवल और आज के लेवल पे 40-50 फीट आप ऊपर है लेवल से। ये फ्लड जो एक जोन बनता गया ना, ये बैंक बनता गया गंगा रिवर बैंक, तो आप देखो रिवर बैंक अपने आप बाहर जाके देखो गंगा का रिवर बैंक कैसा बना हुआ, ये आरबीएम जो बना ये सारा इसी ने ये पैक कर दिया, और अभी भी अगर इसी खुदान चलेगी तो कई मंदिर आते हैं। तो ये पौराणिक जगह है भगवान कल्प केदार की। आप कहाँ से सर? सूरत से, गुजरात से। गुजरात तो हमारे यहाँ गुजरात का प्रोग्राम जो है ना होता रहता है और करते रहते हैं प्रोग्राम यहाँ पे शाम को।